मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आर्थिक मोर्चे पर राज्य की स्थिति को देखते हुए एक्शन मोड में आ गई हैं। सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते में विभागों के साथ वे कई समीक्षा बैठकें करेंगे और उससे पहले रविवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। ये बैठक 18 जून को होगी। अफसरों को अभी से इस बैठक के एजेंडे तैयार करने के लिए कहा गया है। सोमवार से शुरू हो रही समीक्षा बैठकों के दौरान आने वाले मामले भी इसमें आएंगे। राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से लोन को लेकर लगाई गई बंदिशों को देखते हुए राज्य सरकार को एडवांस में तैयारी करनी होगी। यही वजह है कि वाटरसेस से लेकर औद्योगिक निवेश तक के मामलों में सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को किन्नौर दौरे से लौटेंगे और दोपहर बाद 2:30 बजे इन्वेस्टर फोरम की अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा विभागों के निवेशकों को शिमला बुलाया गया है। उद्योगपतियों की फीडबैक के बाद राज्य सरकार इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के गठन में इन बिंदुओं को शामिल करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को अपने यहाँ आय के स्रोत बढ़ाने के लिए काम करने को कहा था। अब समीक्षा बैठकों में महकमों से पूछा जाएगा कि इस बारे में कितना काम हुआ है। 18 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अलावा नई भर्तियों को लेकर बात होगी। इस बैठक से पहले अनुबंध के नए नियमों को भी राज्य सरकार अधिसूचित कर देगी। इसके बाद ही विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आर्थिक मोर्चे पर राज्य की स्थिति को देखते हुए एक्शन मोड में आ गई हैं। सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते में विभागों के साथ वे कई समीक्षा बैठकें करेंगे और उससे पहले रविवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। ये बैठक 18 जून को होगी। अफसरों को अभी से इस बैठक के एजेंडे तैयार करने के लिए कहा गया है। सोमवार से शुरू हो रही समीक्षा बैठकों के दौरान आने वाले मामले भी इसमें आएंगे। राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से लोन को लेकर लगाई गई बंदिशों को देखते हुए राज्य सरकार को एडवांस में तैयारी करनी होगी। यही वजह है कि वाटरसेस से लेकर औद्योगिक निवेश तक के मामलों में सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को किन्नौर दौरे से लौटेंगे और दोपहर बाद 2:30 बजे इन्वेस्टर फोरम की अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा विभागों के निवेशकों को शिमला बुलाया गया है। उद्योगपतियों की फीडबैक के बाद राज्य सरकार इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के गठन में इन बिंदुओं को शामिल करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को अपने यहाँ आय के स्रोत बढ़ाने के लिए काम करने को कहा था। अब समीक्षा बैठकों में महकमों से पूछा जाएगा कि इस बारे में कितना काम हुआ है। 18 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अलावा नई भर्तियों को लेकर बात होगी। इस बैठक से पहले अनुबंध के नए नियमों को भी राज्य सरकार अधिसूचित कर देगी। इसके बाद ही विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ। हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।